अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नौमान हुसैन, और अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर हरम शरीफ में। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ये इस वक्त मलिक फात गेट है, गेट नंबर 79। माशाल्लाह देखें कितना रश है, क्योंकि अभी हज ख़त्म हो गया है। हज ख़त्म होने के बाद आप लोग जानते हैं हाजी विदाई तवाफ़ करते हैं, तो ये असर और मगरिब के बीच का वीडियो है। माशाल्लाह देखें आप लोग कितना रश है यहाँ पर। अभी हाजियों को अंदर ये जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रश अंदर भी बहुत काफ़ी है, इसलिए ये हाजी सारे यहाँ पर बिठा दिए हैं। मगरिब के बाद जब अंदर रश कम हो जाएगा तो फिर इन्हें जाने देंगे। माशाल्लाह देखें, चेक करें कितनी तरतीब से यहाँ सब लगी हुई है, हाजी लोग बैठे हैं। अल्लाह पाक इनका हज कबूल फरमाए, और विदाई की तवाब अल्लाह पाक इन्हें सही सलामत कराए। बाकी माशाल्लाह मगरिब के बाद ही यहाँ से उठेंगे। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत मंज़र है, अल्लाह पाक ये मंज़र सबको अपनी आँखों से देखना नसीब फरमाए। अभी मगरिब की नमाज़ में कुछ काफ़ी टाइम है, तो इसलिए ये आज ही यहाँ पर बैठ गए हैं। बाकी आप लोग चेक करें व्यूज़ कितना खूबसूरत है, बहुत रश है, बिल्कुल भी सारा ब्लॉक हो चुका है अरब अंदर से, क्योंकि विदाई तवाफ़ में सारे एक साथ आते हैं ना। अभी जो मदीने शरीफ का हाजी था वो यहाँ पर है, और जो मक्के का हाजी था वो यहाँ पर है, और जो लोकल आने वाले होते हैं आसपास के, मतलब लोकल हाजी, तो वो भी यहाँ पर ही हैं। इस वजह से बहुत रश बन गया है हरम में। ये 6-7 दिन चलेगा ऐसे ही, इसके बाद कम हो जाएगा, लेकिन अभी 6-7 दिन तो हरम शरीफ में ऐसे ही रश चल रहा है। ईशा के बाद तो इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, इतना रश हो जाता है, क्यों सारा हाजी जमा हो गया है इसलिए। बाकी फ्रेंड प्लीज़, जिसने भी मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है, वो नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं। और अगर कोई मेरा भाई है या कोई और है, दोस्त है, जो यहाँ की कोई जानकारी लेना चाहता है, या कोई बात है, या किसी का कोई हाजी आया हुआ है, वो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है मुझसे। और नौमान हुसैन के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, लेकिन अभी आपको कैसे पता चलेगा जब फेस नहीं जानते? तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद अपने फेस के साथ ब्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह।